देखिए, मैंने एक ये मॉडल बनाया है कि जो है इलेक्ट्रिसिटी का करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जब किसी मेटल से होकर निकलती है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमने एक यूज किया है हार्सू मैग्नेट, ठीक है, जो कि मार्केट में कहीं मिल सकता है। 9 वोल्ट की बैटरी, एक एलईडी। ये एलईडी इसलिए लगाई है ताकि इस बैटरी को हम सेफ रख सकें। ये बैटरी कॉइल के थ्रू, मतलब करंट के थ्रू, इसे सीरीज में कनेक्ट है। देखिए, इसमें कोई भी चीज़ नहीं यूज की गई जाता, बस एक एलईडी, 9 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब जैसे हम इसको ऑन करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा ये कैसे इस मेटल को रिपेल या अट्रैक्ट करता है। ये देखिए, ये देखिए वायर में डिफ्लेक्शन हुआ। ये देखिए होता क्या है, जब इस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है तो ये इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये जो मेटल है नॉन मैग्नेटिक है, कहने मतलब मैग्नेटिक से जो है ये अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास होती है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसके कारण ये एन टू एस या एस टू एन रिपल या अट्रैक्ट करता है। ये देखिए, अब इस चीज़ को आप आसानी से इससे समझ सकते हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेट का क्या इफेक्ट पड़ता है या मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होती है इसमें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मॉडल बनाने के लिए कांटेक्ट करिए। देखिए, इसमें हमने एक ये डायग्राम बनाया है जिसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है जो कि ऐसे वर्क करता है। ये उंगली जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये फोर्स या अंगूठा फोर्स, और ये रोटेशन को जो है डिनोट करता है। ओके, पढ़िए और समझिए। थैंक यू।